कहाँ पे? अच्छा तुम्हें ऐसा लग रहा है। वेलकम परिवार, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे। तो अभी हम हैं अपने पिकअप पॉइंट पे, जहाँ से हम जाने वाले हैं फोर आइलैंड टूर पे। हम हैं क्राबी थाईलैंड में। तो दोस्तों अभी हमें क्राबी थाईलैंड में और आओनांग बीच के पास से हमने लिया है फोर आइलैंड टूर का पैकेज, जो कि है 900 बात में हमें पड़ रहा है, जिसमें वो हमें स्पीड बोट से लेकर जाने वाले हैं 4 अलग अलग आइलैंड पे। उसमें आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा, लंच मिलेगा, लेकिन आपको पहले से बताना पड़ेगा कि आप वेजिटेरियन हैं, तभी आपको कुछ मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। आइलैंड के टूर पे जाने से पहले मैं आपको बता दूँ, सनस्क्रीन ले लीजिएगा, क्योंकि आपकी स्किन बहुत अच्छे से जलेगी, क्योंकि यहाँ पे कड़कड़ाती धूप होती है। बीच के आसपास के एरिया में हमेशा आपकी स्किन बर्न होती है। साथ ही आप टॉवल ले लीजिएगा, उसकी ज़रूरत बहुत पड़ेगी। और पानी में जाने का मन है तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम ले लीजिएगा, कुछ स्नैक्स कैरी कर लीजिए, और बाकी पानी तो मिलेगा ही बोट पर। सनग्लासेस कैरी करना ना भूलें, क्योंकि धूप के साथ साथ आपके फैशन में भी इजाफा होगा उससे। फीफी आइलैंड टूर तो आपने देखा होगा, अगर आप क्राबी में हैं तो फीफी आइलैंड टूर पे भी जा सकते हैं, अगर आप फुकेट में हैं तब भी जा सकते हैं, क्राबी में हैं तब भी जा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये लॉन्ग टेल बोट खड़ी है, लेकिन हम जाने वाले स्पीड बोट से। जब भी आप बुक करें तो हमेशा याद रखिएगा, काफ़ी दूर जाना है तो लॉन्ग टेल बोट से मत जाइए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हिलती है। स्पीड बोट जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं हिलेगी। बस हम अपनी स्पीड बोट के पास पहुंचने वाले हैं, लेकिन मैं बता दूं फीफी आइलैंड में उतनी गर्मी और धूप नहीं लग रही थी जितनी कि यहाँ पे लग रही है। जब हम फीफी आइलैंड के टूर पे जा रहे थे, वहाँ पे हमें काफ़ी फॉरेनर्स दिख रहे थे, जिसमें मोस्टली यूरोपियन लग रहे थे। यहाँ पे भी फॉरेनर्स हैं, लेकिन ये मलेशियन है, जो कि बिल्कुल इंडियन जैसे दिख रहे थे। बीच के साइड में जा रहे तो बीच के हिसाब से चप्पल कैरी करिएगा, कुछ वैसे मत कैरी करिएगा जो कि टूट जाए, फिर आपको नंगे पैर ही चलना पड़े, क्योंकि पानी में तो भीगेंगे आपके चप्पलें। देखिए बोट पे चढ़ने के लिए भी हमें पानी में भीगना ही पड़ा। यहाँ पे हमें लाइफ जैकेट देते हैं और साथ में यहाँ पे पानी रखा हुआ है। और नाउ वी आर गोइंग टू गेट अ ब्यूटीफुल व्यू। बस दोस्तों हमारे खूबसूरत सफ़र की शुरुआत हो रही है। फीफी आइलैंड टूर पे जाते समय नाव बहुत ज़्यादा भरी हुई थी और हमें मौका ही नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का, फ़ोटो खींचने का। तो इस बार मैंने सोचा कि ये वाली जगह ले लेते हैं जहाँ पे पिछली बार अंग्रेज लोग बैठे हुए थे और पूरा टाइम वहीं चिपके हुए थे, हिले ही नहीं थे। तो हमने सोचा इस बार हम यहाँ पे बैठेंगे, लेकिन बैठने के बाद पता चला यहाँ पे इतनी गंदी वाली धूप हो रही थी, जो कि फीफी आइलैंड के टाइम पे उतनी ज़्यादा धूप नहीं थी, इस समय बहुत कड़कती धूप थी। बहुत सारा सनस्क्रीन लगाया लेकिन पसीना इतना आ रहा था जिसकी वजह से बार बार सनस्क्रीन बह जा रहा था। मैं आपको बता दूँ हम लोग जाने वाले हैं रायले बीच पे, जो कि हमने पहले ही जा चुके थे, लेकिन इस बार हम रायले बीच का दूसरा पोर्शन डिस्कवर करेंगे और रायले बीच से ही हम जाएंगे फानांग केव पे। मैं आपको आगे मेंशन कर दूंगी। ये मुझे चिकन आइलैंड लग रहा है, जो कि हम बाद में जाएंगे, अभी नहीं जा रहे, क्योंकि ऐसा बोल रहे थे कि शायद अभी जो पानी का स्तर है काफ़ी बढ़ा हुआ है और वेव्स भी काफ़ी आ रही है। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था क्राबी बहुत खूबसूरत है, अगर आप उसके किसी भी आइलैंड पे चले जाइए आपको पहाड़ी पहाड़ दिखाई देंगे, चाहे आओनांग हो, चाहे रायले बीच हो, चाहे फानांग हो, या कोई सा भी हो, पहाड़ इतने सुंदर लगेंगे, पानी इतना सुंदर लगेगा। यहाँ का पानी ग्रीन होता है, कहीं ब्लू होता है, और फोर आइलैंड टूर में आपको इतने गजब के आइलैंड देखने को मिलेंगे, आप देखते रह जाएंगे। तो चलिए चलते हैं और इसका मज़ा लेते हैं। वीडियो की शुरुआत हो चुकी है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर थाईलैंड आने का प्लान कर रहे हैं तो जाइए मेरी प्लेलिस्ट में चेक करिए, थाईलैंड के बहुत सारे वीडियोस हैं। शुरुआती वीडियो में मैंने आपको बताया थाईलैंड
आने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको कैसे प्लानिंग करनी है तो उसे चेक कर लीजिए। और बाकी मैंने फुकेट के वीडियोस डाले हैं, बंगला मार्केट के, यहाँ की नाइट लाइफ के और बहुत सारा। और फिलहाल हम हैं क्राबी में, तो क्राबी के अब वीडियोस आएंगे और उसके बाद आएंगे बैंकॉक के वीडियो, तो सारे जाके फटाफट चेक कर लीजिए। इतना पानी है दोस्तों, हम कल यहाँ पर आए थे बट उस साइड आए थे। ये है रायले बीच दोस्तों, अब यहाँ से हम केव पे जाएंगे केव देखने के लिए। तुम मेरे को भी तो रिकॉर्ड कर लो। And then we walk to the Pranang Cave to relax and have a look. The princess woman there swim, take a photo on the beach here. And on the bottom of the Pranang Cave, we have like a koi and a lagoon, but we cannot go. तो हम जा रहे हैं फ्रानांग केव की तरफ। फ्रानांग के बारे में बता दूं, फ्रानांग एक प्रिंसेस का नाम था। कहीं कहीं लिखा है कि एक प्रिंसेस थी, कहीं कहीं कहा जाता है कि वो एक फिशरमैन की वाइफ थी, कहा जाता है कि वो एक इंडियन प्रिंसेस थी जिसका नाम हमने तो नहीं सुना है, लेकिन यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ था। लोकल लोगों का मानना है कि अगर किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं तो अगर यहाँ पर आके पूजा कर लें तो उनके बच्चे ज़रूर हो जाते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि इस केव पर मंकी दिखते हैं, मंकी जैसे दिखते हैं उन्हें डंकी कहा जाता है, जो कि शायद मंकी ही होते हैं, फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। ये केव बड़ी खतरनाक दिख रही है। How old is it? More than 1,000 years. ये केव बहुत ही खतरनाक और बहुत ही सुंदर दिखेगी आपको। यहाँ पे बहुत सारे लोग माउंटेन क्लाइंबिंग की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी दिखा देती हूँ आपको, थोड़ा चलने का रास्ता है, उसके बाद हमें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वाटर दिखेगा, सीधा बीच पे पहुँचेंगे। वहाँ का पानी एकदम ब्लू होगा और रेत जो है वो एकदम वाइट होगी। अगर आपने देखी है ट्रांसफॉर्मर्स तो लग रहा है मेगा सूरज, पता चले कि ये ट्रोल हो, बाद में उड़ जाए। तुमने मूवी नहीं देखी ट्रोल वाली? ट्रोल सो रहा है। मैं सच बता रही हूँ, ये केव देखकर ऐसा लग रहा था कि ये अलाइव है, जैसे कि कोई बहुत ही बड़ा राक्षस बैठ गया है और सो रहा है और बस कभी भी उठ खड़ा हो सकता है। ये बहुत ही मतलब अजीब सा लग रहा था यहाँ पे। एक बात और बताऊँ, यहाँ पे कई सारी मूवीज के शूट भी हुए हैं, उस पे मैं वीडियो बनाऊंगी लेकिन अभी नहीं, लेकिन बता देती हूँ यहाँ पर कहो ना प्यार है का शूट हुआ है और भी कुछ मूवीज का शूट हुआ है बॉलीवुड वाली, उस पे वीडियो अलग से बनाऊंगी इसलिए अभी नहीं बता रही। देखो
माउंटेन क्लाइंबर। तो हम वहाँ पहुँच चुके हैं बीच के पास और जहाँ पे माउंटेन क्लाइंबिंग हो रही है और साथ ही साथ वहाँ पे फ्रानांग का मंदिर है। काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, इंडियन क्राउड ज़्यादा दिख रहा था, यूरोपियन क्राउड थोड़ा कम था या फिर इंडियन जैसे दिखने वाले काफ़ी लोग थे, कह सकते हैं एशियन ज़्यादा थे। रॉक क्लाइंबिंग देखो, तो जिससे हमने ट्रैवल पैकेज लिया था वो काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी फ़ोटोज़ वगैरह में, वीडियो बनाने में, और सबसे ख़ास बात जब स्नॉकलिंग करना था उन्होंने काफ़ी हेल्प करी थी मेरी। यस श्योर। तो यहाँ पे एक अजीब सी धारणा है, मैं बता दूँ, यहाँ पे जैसे बाकी देवी देवताओं को चढ़ावे में आपको प्रसाद चढ़ाना होता है, तो यहाँ पे वुडन पेनिसेस लोगों ने चढ़ाए हुए हैं और कहा जाता है कि ये चढ़ाने से अगर आपका बच्चा नहीं हो रहा है तो आपका बच्चा हो जाएगा, ऐसी धारणा है लोगों की, मुझे नहीं मालूम इसमें कितनी सच्चाई है। कहा जाता है फ्रानांग की जो स्पिरिट है वो अभी भी यहीं पर रहती हैं, वो लोगों की मदद करती हैं, और ऐसा भी माना जाता है कि अगर यहाँ पे जो बहुत सारे मछुआरे होते हैं पानी में अगर समुद्र में फंस जाते हैं तो वो भी प्रार्थना करते हैं कि हमें बचा लो, तो शायद समुद्र में मछली पकड़ने जाने से पहले वो यहाँ पे प्रार्थना वार्थना करते होंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे पहुँचते ही आप देखेंगे तो आपको इनकी ऑफरिंग देख के थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि मैंने तो अपनी लाइफ में पहली बार किसी मंदिर में इस टाइप की ऑफरिंग देखी है। इंडिया में बहुत सारे मंदिरों में लोग जाते हैं देवी देवताओं के पास बच्चे की मुराद के लिए, लेकिन वहाँ पे इस टाइप की ऑफरिंग नहीं होती है। पानी में जा सकते हैं वैसे, यहाँ पे जाना पानी में डुबकी मारने से इसमें मार सकते हैं। व्यू काफ़ी सुंदर था और पानी काफ़ी खूबसूरत था, और यहाँ पे मुझे मालूम था यहाँ पे कई सारी मूवीज़ के शूट भी हुए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे पानी में थोड़ा बहुत खेला जाए और बहुत सारी फ़ोटोज़ और वीडियोस क्लिक करवाया जाए। इतना दूर गए हो बॉस, ये तो बनता ही है। एक घंटे का टाइम हमें दिया गया था तो हमने थोड़ा टाइम तो इसमें केव को देखने में बिताया। वैसे केव के अंदर नहीं जाया जा सकता है, लेकिन केव को बाहर से देख सकते हैं, पता नहीं क्यों अलाउड नहीं है। तो केव के पास में जो पानी था वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, तो मैं तो सोच रही थी थोड़ा ऐसे एरिया में रहूँ जहाँ पे भीड़ कम हो, ताकि फ़ोटोज़ भी अच्छी आए, वो वीडियोज़ भी अच्छी आए, और बहुत सारे इंडियंस दिख रहे थे तो वो ज़्यादा ही ताड़ रहे थे तो अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ा आगे जाकर हमने अपने वीडियोज़ बनाए, फ़ोटोज़ क्लिक कराए, मैंने इंस्टा पे भी कुछ वीडियो डाले थे और फ़ोटो भी डाली थी। वही तो बात है ना, अजीब सी लगती है, मतलब बनाई नहीं गई उसे बनी बनाई। दिन में भी आके पूरे दिन पर हमारे पास टाइम नहीं है ना ज़्यादा। वाटर इज सो ब्यूटीफुल है ना, इसका कलर बहुत सुंदर है। घूमते घामते फोटो खिंचाते हुए वीडियो बनाते हुए एक घंटा कब बीतने वाला था हमें पता ही नहीं चला, तो सब लोग भाग भाग के पहुंच चुके थे, हम थोड़ा पीछे रह गए थे हमें ढूंढने के लिए। जो हमें नाव वाले थे वो लेने आ रहे थे, हमने कहा चलो जल्दी जल्दी चलते, हमें मालूम नहीं था लेकिन हमें इतना आइडिया था कि एक घंटा होने वाला है। जाते जाते भी हमने थोड़ा वीडियोस वगैरह बनाए, मज़ा तो काफ़ी आया सच बता रही हूँ, इस जगह की वाइब ही एकदम अलग थी। सच बात है कि थाईलैंड नाइट लाइफ के लिए तो फेमस है, साथ ही साथ इसके जो बीच है, नेचुरल जो ब्यूटी है वो बहुत ही गजब की है।
यहाँ के बीच, यहाँ के पहाड़, हर एक चीज़ काफ़ी खूबसूरत है। मुझे बताया गया था कोई प्रिंसेस देवी है, जो उनका करेक्टर ठीक नहीं लग रहा है। उनका वीडियो अभी हम पीछे दिखा होगा, नहीं देखा तो अभी दिखा देते। तो बस टाइम हमारा ओवर हो रहा है तो हम निकल रहे हैं, क्योंकि हमें दूसरे उस पे जाना है। तो अभी हम वापस जा रहे हैं बोट की तरफ, क्योंकि अब दूसरी जगह हम जाएंगे। अगर आप थाईलैंड गए हैं और यहाँ पर गए हैं तो मुझे सच में बताइएगा, क्या ये आपको एक राक्षस जैसा नहीं लग रहा है? ये जो पहाड़ है, ये जो केव है, ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बैठा हुआ है और अभी कभी भी उठ खड़ा होगा? कमेंट करके बताइएगा। मजा तो आया। सोनम केव तो मैंने ये दिखाया है, आप पॉज करके देख लीजिएगा स्टोरी वाला। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, क्योंकि सब लोग पहुंच चुके हैं बोट के पास। पता नहीं हमारे साथ इस बार जो लोग आए हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहे थे, उन्हें घूमने फिरने का ज़्यादा शौक नहीं दिख रहा था। जब हम फीफी आइलैंड पे थे, फीफी आइलैंड टूर पे, वहाँ पे लोग काफ़ी खुश मिजाज लग रहे थे और लग रहा था कि वो बस इंजॉय करने आए हैं, लेकिन यहाँ वाले एकदम निढाल से थे। वहाँ पे लोग टाइम से ज़्यादा समय ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे लोग टाइम से पहले ही पहुँच गए नाव के पास। तो वैसे बना रखा। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और कल मिलते हैं फोर आइलैंड टूर के दूसरे आइलैंड पे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल। करो 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 कर